देखे मार फटाक से मारे चल आई अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अबे सलाम का जवाब देना चाहिए। आज हम आपके दरमियान लेकर आए हैं एक टीज़र जो कि मार्वल्स का है। इनका एक न्यू कैरेक्टर आ रहा है मिस वर्ल्ड, वो मिस मार्वल। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जिसको जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है उस बारे में बोलना पड़ता है। लेकिन अब हंसी कंट्रोल करो। अब मुझे रुको, मैं आपने मुझे चांस दिया, आपने चांस दिया और मैंने आपको चांस दिया और आपने चांस पूरी तरीके से गवा दिया। अब आप बोले आगे। चलिए तो ये मिस मार्वल क्या है ये मैंने इसका पहले भी देखा टीज़र और थोड़ी मुझे इसकी स्टोरी पता है। टीज़र आया कब था? आए हुए तीन जब मैंने देखे और आपने मुझे उसकी स्टोरी बताई थी कि ये कौन है। मेरी जान वो टीज़र नहीं है, वो कमाला खान जो एक्टर है ना जो कि इसका नाम मिस फिलानी है, वो खुद उसके ऊपर रिएक्ट कर रही है अपने ट्रेलर के ऊपर। वो वीडियो है जिनको आप समझ रहे हैं वो टीज़र चार दिन पहले भी आई थी। ये भी वाली है जी यार, मैं भी तुम्हें क्या बोलूँ। खैर अभी हम उससे मैं तुमसे बहस नहीं करने वाला, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता दूँ, नहीं सॉरी तुम्हें कह रहा हूँ आप लोगों को बता दूँ कि बेसिकली ये मिस मार्वल एक वेब सीरीज आ रही है जो कि जून के अंदर रिलीज़ होगी, चाहे जून के फर्स्ट वीक के अंदर ये रिलीज़ होगी। और ये आपको पता है कि मार्वल की डिज्नी प्लस के ऊपर ही आएगी, आप देखिएगा। सीरीज़ रिलीज़ होती है एक एक हफ्ते में करके, एक हफ्ते के अंदर एक एपिसोड रिलीज़ होता है इनका और फिर शायद दस कुछ पता नहीं कितने एपिसोड होंगे। हाँ रिलीज़ इसी तरीके से होता है वेब सीरीज़, ये जो मार्वल की वेब सीरीज़ होती है वैसे आती हैं। तो खैर इसकी जो सबसे एक्साइटेड बात है ना कि जो कमाला खान इसके अंदर जो हीरोइन है, मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छा वो बेसिकली ब्रिटिश पाकिस्तानी है, नहीं सॉरी अबे अमेरिकन पाकिस्तानी कैरेक्टर है वो। तो उसका ओरिजिन पाकिस्तान से है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे फिर पाकिस्तानी एक्टर भी दिखने वाला है जिसके अंदर समीना पीर ज़्यादा भी कभी है कि वो भी है, फवाद खान का आस्ट हुआ है और महवेश हयात भी इसके अंदर है और भी सकता है पाकिस्तानी एक तो इसके अंदर भी दिखेंगे टीज़र के अंदर। फवाद खान का सुनने में यही आया था कि पास का कोई सीन दिखाएंगे जिसके अंदर फवाद खान और महवेश हयात दिखेंगे पार्टीशन के टाइम वाला सीन। मैंने कहा बता तो भी याद है। तो अभी हम इस कैरेक्टर के ऊपर बात पहले इसका टीज़र देखते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। चलो वैसे टू बी ऑनेस्ट मैं ये दो बार देख चुका हूँ लेकिन फिर मैं इन लोग को दिखा रहा हूँ। So first off, I just want to say, I get it. You get what? High school. Kamala. Another adventure shirt. Cute. She thinks I'm some kind of weirdo. You weren't weird. Boys. Excuse me. Yeah. You're kind of on my shit. Sorry. But you're staring out the window in your little fantasy land. Kamala. Hey. Already? Really? Come on, like... Do I have to figure out my whole future before launchers? Like, maybe they're right. I spend too much time in fantasy land. That is not you. It's not really the brown girls from Jersey City who saved the world. That's a fantasy too. Happened to you? No, why? Did you hear something? Good, my love. What does it feel like? Cosmic. I always thought I wanted this kind of life. But I never imagined any of this. Do you know what you are? भाई ना यार सबसे पहले अब मैं जल्दी से कुछ बातें करता हूँ। एक तो सबसे पहले मैं इसको कि पाकिस्तानी इसका दिखाया जो ओरिजिन इसलिए उसको मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और फिर खास तौर पर हमारा कल्चर, हम मुसलमान हैं तो हमारा कल्चर इसके अंदर बहुत तरीके से दिखाया है तो वो भी इसके अंदर है। ठीक है तो हो यार ये बहुत बदतमीज आदमी है, मुझे बोलने नहीं बोलता, फ़ोन यूज़ कर रहा था वीडियो मैंने कुछ नहीं कहा मैं। खैर तो मैं कह रहा हूँ तो ये दो चीज़ें बहुत एक्साइटेड हैं और तीसरा ये कि इसका बैकग्राउंड स्कोर अगर आपने देखा तो किस तरीके से मतलब एक जो पूरी वाइब है ना वो लाइक एक टीनेजर बच्चे की दिखाई हुई, जैसे स्पाइडरमैन की हम बात करते हैं ना कि टीनेजर बॉय होता है तो उस टाइप की पूरी अब फीमेल के अंदर भी दिखाई हुई लाइक
मिस मार्वल के अंदर, और अब देखेंगे कि ये अब बच्ची है तो इसको जो कॉस्मिक पावर्स मिलेंगे, अब कॉस्मिक पावर्स इन दोनों को तो पता नहीं होगा, तो मैं बताता हूँ, ये छोड़ो अभी तुम लोगों को मैं क्या बताऊँ कॉस्मिक पावर, जिनको पता है उनको पता है कॉस्मिक पावर्स क्या होती है, जो कि बेसिकली जो कैप्टन मार्वल है वो सारे वो अपने पास रखती है, नहीं 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 कॉस्मिक पावर वो नहीं होती, कॉस्मिक पावर होती है जो कि सूरज इन सबसे आती हैं पावर्स ना, तो हाँ नहीं नहीं वो जादू नहीं होता, नहीं नहीं वो चीज़ें नहीं होती, कॉस्मिक पावर एक अलग चीज़ होती है। खैर तो इसके अंदर अब ये मिस अच्छा, और मैंने सुनने में आया कि कैप्टन मार्वल का जो पार्ट टू आ रहा है ना उसके अंदर भी मिस मार्वल होगी, तो हो सकता है कि कैप्टन मार्वल जो बैरी लार्सन वाली जो है वो इसके अंदर दिखे, इस वेब सीरीज के एंड में कहीं ना कहीं ना उसका जिक्र आएगा, या हो सकता है वो भी दिखे, क्योंकि दिखाया है मिस मार्वल का जो बेसिकली पूरा कैरेक्टर है वो यही है कि वो कैप्टन मार्वल से बहुत इंस्पायर्ड है, लाइक तुमने देखा कि वो उसके जैसा बनना चाहती है, फिर उसको वो कॉस्मिक वो मिलते हैं जो चूड़ियाँ वूड़ियाँ मिलती हैं, फिर उससे उसको पावर सारी मिलती हैं, लेकिन यह कि बड़े मज़े की वेब सीरीज होने वाली है, और इसके अंदर सारे जो स्कूल की चीज़ें एक्सप्लोर करवाई हैं ना वो बहुत अच्छी, और उसमें ना मोस्टली ये कैरेक्टर ना वो मुसलमान होंगे, और इसके अंदर सुनने में आया कि फरहान अख्तर भी है, पता है अब ये आया है कि हो सकता है कि फरहान अख्तर का कास्टिंग के अंदर है नाम, बट कोई उनके जो उसका रोल है ना वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है, हो सकता है कि वो विलन के रोल में हो, और मज़ा आ जाएगा अगर फरहान अख्तर विलन के रोल में होगा ना, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी काफ़ी एक्टर दिखने वाले हैं, और कुछ बॉलीवुड के भी जो कि खासतौर पर वो दिखाया था जो गंजे से अंकल जो कि कमाला का नाम ले रहे थे जो कमरे के में दाखिल हो रहे थे, फिर कमाला ने गेट बंद कर दिया था, वो अंकल बेसिकली बॉलीवुड के कोई मतलब बॉलीवुड में है, मतलब बॉलीवुड के उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उनको मैंने देखा, बाकी एक वो फीमेल आई थी पाकिस्तान वाली उनका भी नाम मुझे नहीं पता, बढ़िया कि पाकिस्तानी और इंडियन अदाकार इसमें काफ़ी दिखने वाले हैं, और जो कैरेक्टर अमेरिका के भी होंगे वो भी मोस्टली मुसलमान ही दिखाए हैं, मतलब इसके ने ये नोट मैंने कि जो उसके में दिखाया है कि एक जो ना गैजेट जहाँ से उनको पावर आती है, एक तो पहले जो स्पाइडरमैन बनती है उसके ना तो जो उसको काटी थी मकड़ी वो तो हाँ वो उसके तो बाद बाकी आए उनके पास वो था एक मशीन कहलाते हैं गैजेट, इसके पास भी एक वो है गैजेट उससे इसको पावर मिली है, तो ये चीज़ है कि अच्छा मैंने ना कुछ अच्छा मैं सीरियसली बताऊँ, ये मैं पहले भी ट्रेलर जैसे मैंने बताया ट्रेलर से पहले कि मैं ये देख चुका था ट्रेलर एक दो बार, तो मैंने इसके एक दो ब्रेक डाउन भी देखे, तो जो कॉमिक वर्ड्स वगैरह मैं उसका कॉमिक वर्ड्स वाले का बहुत बड़ा फैन हूँ उस चैनल का, आप लोग भी चेकआउट करेगा उसके चैनल को, इंडिया का एक चैनल है, तो उसने इसका ब्रेक डाउन करा था, तो उसने बताया था, उसने कहा था कॉमिक्स के अंदर ना जो मार्वल कॉमिक्स है उसके अंदर बेसिकली इसकी एनर्जी ऐसे नहीं मिलती इसको ना, वो कोई इंसिडेंट के बाद उसको वो एनर्जी मिलती है, बट इसके अंदर उसकी जो इसकी पावर्स का ओरिजिन है ना वो एकदम चेंज करती है, वो कड़ों के अंदर चूड़ियों के अंदर ले आए, लाइक जैसे डीसी के अंदर वो जो लैंटर्न है उसका सारा होता है ना रिंग के अंदर होती है, तो लाल टैन नहीं ग्रीन लैंटर्न का, अबे लाल टैन लेकिन हीरो का नाम तो लैंटर्न है ना, तो ये सारा है कि उसकी पावर जैसे रिंग में थी तो इसकी सारी गैजेट्स में इसमें ये उसमें चूड़ियों में, तो खैर ये वेब सीरीज बहुत मज़ेदार होने वाली है, इसका कुछ नहीं बोलना होता, इसको ना हमने रखा हुआ इस काम के लिए, सिर्फ ये थी आज की वीडियो ऑन करता है वीडियो ऑन करता है सही कह रहा है वीडियो ऑन करते तुमने पहली बात की जिंदगी में ढंग की बात करी है, मैं बैक एंड के काम करता हूँ, बैक हैंड के काम फोड़ता हूँ, लोगों को दिखते ही नहीं है, ये चलता है चलिए ये तो खैर ये थे हमारी आज की वीडियो, क्योंकि अगर मैं इस पर और बोलने लगा ना ट्रेलर आएंगे तो मैं अभी ट्रेलर नहीं अभी सीधा रिलीज होगी, अभी तो सबसे पहले तो मून नाइट आने वाला है, हमने मून नाइट पे नहीं कर रहे ना, अरे यार मून नाइट का ट्रेलर इतना अच्छा है उस पर कर सकते हैं हम लोग कभी, इन लोग को मैं दिखाऊंगा कि डीसी के मार्वल का असल में लेवल है क्या, ये तो चलो बच्चों वाला है वो है पूरी वेब सीरीज, लेकिन जो असल में जो मून नाइट आ रही है एकदम ब्रूटल तरीके का वो हीरो है, और जिससे कि वो मारता वारता है ना वो बहुत क्लास है, तो खैर उस पर कभी बाद में बात करेंगे, अगर उसके आप एपिसोड कवर करेंगे इंशाल्लाह तो हाँ इंशाल्लाह मैं कर लूँगा अकेले, ठीक है चलें आज तक के लिए इतना ही, ओके अल्लाह हाफिज़।